तो गाइस तो वो एकदम क्लिप्स आ गए शॉपिंग के। आप लोग कह रहे होंगे एनी अचानक से कहाँ चली गई, बाजार में नजर आ रही है। तो मैं जरा सा थोड़ा सा चक्कर लगाने चली गई थी इम्तियाज का। घर पे चिकन वगैरह खत्म था, गोश्त खत्म था, और भी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती हैं। घर का सौदा जो है ना, वो एक ऐसी डिटेल मसला है। देखिए पीछे सामान नजर आ रहा होगा आप लोगों को, सब अभी पड़ा हुआ, अभी मुझे सेटल करके रखना है सारा ला के। मेरा अभी थक बहुत गई थी, तो मैंने कहा यार गोश्त वगैरह फ्रिज में रख दिया मैंने, बटर वगैरह जो चीजें खराब होने का डर था। तो बाकी मैंने कहा यार ये मैं बाद में रखूँ। काफी सारा सौदा है, थोड़ा सा मैं दिखा भी देती हूँ आप लोगों को। दूध वगैरह था, ये बेटे का बड़ा हो गया ना, तो 3+ लेके आई थी मैं उसके लिए। वो वाली पहले 1+ खिला रही थी ना, तो मुझे तो 3 वीक सा लग रहा था। तो खत्म से जो है ना, मुझे लग रहा है मैं किस टाइम गिर जाऊंगी। और मैंने कहा क्लिप्स वगैरह का बता दूं कि कहेंगे अचानक एनी चला दी, एनी कहाँ गई थी घूमने। ये गुलाब जामुन केक वेक सारा लेके आए हैं, और थक जाने के बाद फिर क्या चाहिए होता है, गेस करें आप लोग। एक कप चाय, जिसके बगैर जो है ना फिर वो दोबारा एनर्जी नहीं भरती। कैमरा सेट करके ना करते करने से पहले मैंने चाय का कप बना के रखा, तो मैंने कहा आप साथ साथ आप लोगों के साथ बातें करूंगी और साथ साथ चाय पीऊंगी। बाहर से आने के बाद चाय का ये एक कप, जो काम करता है ना वो कोई भी चीज नहीं करती। रमजान शुरू होने वाले हैं ना, तो बहुत रश था इम्तियाज में, और सब्जी सेक्शन में सब्जी तो खत्म हो चुकी थी, मतलब सुबह लोग ले गए, थोड़ी थोड़ी बची हुई थी, मटर भी थोड़ी सी थी। फिर मैंने कहा चलो यार यानी थोड़ी सी चीजें ले लेते हैं, बाकी 1 तारीख को या 2-3 तारीख को जाके दोबारा फिर मैं ले आऊंगी। एक्चुअली जो मैं अभी गई थी लेने के लिए, गोश्त खत्म था घर पे ना सारा, मीट वगैरह चिकन और ड्रम स्टिक वगैरह लिए मैंने फ्राई करने के लिए। तो मैंने कहा मैं क्लिप चला दूं, फिर मैं आके अपने ऑडियंस को डिटेल देती हूँ कि कहाँ गई थी घूमने। और ये है मेरी एक कदे अम्मी, अम्मी बराबर एक कदे दी होती है, ये कोई मेंशन करने वाली बात है। और ये है मेरी एक कदे पापा, तो पापा भी एक ही होते हैं। ऐ केड़ी चावे, ऐ चावे ते ऐ ओ चावे, मैं नहीं पीनी है चावे। तो मैं आपको बताती हूँ भाई जान, ये वो चाय है जिससे मक्खी गिर गई है, ठीक है। वाकई आपको चाय नहीं पीनी चाहिए क्योंकि इस चाय में मक्खी गिर गई है। और गुलाबी उर्दू में ना पंजाबी एक्सेंट में शेर नहीं सुनाया करे, शेर की बेइज्जती होती है। कराची डॉलमेन से ना कारफोर से मैं अभी लेके आई हूँ मलाई टिक्का है ये मेरे ख्याल से चिकन के ना, ये मैरिनेटेड इस तरीके से चिकन मिल जाती है। देखिए चिकन लग मलाई है 412 रुपए की। ये वही मलाई वाली टिक्का जो है ना, कारफोर जिसमें मलाई की फ्राई होने लगती है। मैंने गर्म करते हैं, कलर चेक करते हैं आया है कि नहीं आया। आई थिंक सो, तो एक साइड से तो बोल रहा हूँ हो गई है, और बोल जाना चाहती है। हाँ हो गई, हो गई। क्या कलर आया, अच्छा हल्की आँच पे कलर है इनके।
तेज आंच पे नहीं तला ताकि गोश्त भी गल जाए और गोल्डन भी हो जाए।